कश्यप। धन्यवाद सभापति जी, आपने इस शून्य काल में मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं एक ऐसी फसल के बारे में आपसे खास करके केंद्र सरकार से आग्रह करना चाह रहा हूँ कि जो मशरूम पैदा की जाती है, जो घास फूस से और तूड़ी से और खास करके धान की प्राली से जो खाद बनाई जाती है उसमें उसको पैदा किया जाता है, और स्वास्थ्य की दृष्टि से और सब्जी के लिए और न्यूट्रिएंस एक अच्छा फूड होने के नाते वो मशरूम जो है आज देश के विभिन्न भागों में पैदा किया जाता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र की सरकार इस मशरूम उत्पाद को कृषि का दर्जा अगर देगी तो मैं कहना चाहता हूँ इसमें काफ़ी अच्छा उत्पादकों को भी इसमें लाभ मिलेगा, क्योंकि आज बहुत से जो प्रदेश हैं उन्होंने इस उत्पाद को जो है वो कृषि का दर्जा दिया है, जिससे वहाँ के लोगों को काफ़ी इसका लाभ मिल रहा है। और हिमाचल प्रदेश से मैं आता हूं तो हिमाचल प्रदेश में भी इसको कृषि का दर्जा दिया गया है, क्योंकि उन उत्पादकों का ये कहना है कि हम प्रदेश में अगर इसको अगर कृषि का दर्जा दे देते हैं तो वो उसमें खास कोई उनको फायदा नहीं मिल रहा है। अगर इसको केंद्र सरकार जो है कृषि का दर्जा अगर दे देगी तो डेफिनेटली इसमें जो इनकम टैक्स में जो रिबेट मिलता है कृषि का उत्पाद होने के नाते, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होने के नाते, तो वो मिलेगा। इसलिए मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि ये मशरूम को जो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो डिक्लेयर किया जाए ताकि इसका प्रोडक्शन ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट जो है हमारे लोगों को भी मिल सके, एक न्यूट्रिएंट्स फूड जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। ये मेरी आपसे मांग है। धन्यवाद।